दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां 23 साल के युवक ने 3 साल की मासूम बच्ची को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। इस वक्त हम आनंद पर्वत थाने के बाहर मौजूद हैं और आपको बता दें कि ये पूरी घटना बुधवार शाम की है। बताया जा रहा है कि आनंद पर्वत इलाके के ही बलजीत नगर स्लम क्वार्टर में 3 साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी, उसी दौरान पास में ही रहने वाला एक युवक जिसकी उम्र 23 साल बताई जा रही है, विजय उसका नाम है, वो बच्ची को बहला फुसला कर एक सुनसान जगह पर ले गया और 3 साल की मासूम बच्ची के साथ विजय नाम के युवक ने रेप की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस को इस पूरे मामले में जानकारी दी गई, पुलिस ने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों में विजय को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बच्ची को नज़दीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर बच्ची की सर्जरी की गई है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने आरोपी युवक को तो गिरफ्तार कर लिया है, वहीं बच्ची की हालत बुधवार रात को भी काफ़ी गंभीर बनी रही। सर्जरी के बाद अब डॉक्टरों का कहना है कि 3 साल की मासूम बच्ची धीरे धीरे कर रिकवर कर रही है, लेकिन आनंद पर्वत इलाके में रेप की वारदात, खास तौर पर 3 साल की मासूम बच्ची को हैवानियत का शिकार बनाया गया, कहीं ना कहीं ये वारदात एक बार फिर से लोगों की मानसिकता पर तो सवाल खड़ी करती ही है। साथ ही राजधानी दिल्ली में महिलाएं और बच्ची कितनी सुरक्षित है, इस पर भी ये वारदात कई सवाल खड़े करती है। कैमरामैन मनोज के साथ जतिन शर्मा, टोटल न्यूज़, दिल्ली।